हेलो दोस्तों, मैं हूँ संतोष निकम और मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है बैक बेंचर्स ऑफ स्टॉक्स। चलिए गाइस, शुरू करेंगे आज के वीडियो को। कल जो भी हम लोगों ने लेवल्स डिस्कस किए थे निफ्टी और बैंक निफ्टी के, उनके एनालिसिस के साथ में। सो गाइस, कल हम लोगों ने एक प्रेडिक्ट किया था अपसाइड वाला मूव मार्केट में, यानी कि एक यू शेप वाला रिकवरी। सो अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, सो आज के दिन में यहाँ पे एक ओपनिंग के बाद में, जो कल मैंने आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट लेवल कहा था 38,059 का, सॉरी 56 का, जिसके नीचे एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बन रही थी। एक शार्प फॉल हम लोग को बैंक निफ्टी को एग्जैक्टली हम लोगों का जो मैजिक लेवल है उसके नीचे देखने को मिला है। 38,170 के ऊपर बुलिश होने वाला था। आज कल के दिन में तीन बार यहाँ पे बैंक निफ्टी ने उस लेवल को टेस्ट किया था लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया था। कोई भी कैंडल इसके ऊपर क्लोज नहीं हो पाई थी, एग्जैक्टली नीचे आया था और फिर जो हम लोगों को यू टर्न का जो पैटर्न मिला था वो एग्जैक्टली इस लेवल पे मिला था। सो यहाँ पे अगर आप लोग ठीक से देखोगे कि मार्केट जो है वो डाउन साइड में आ रहा था लेकिन उस हिसाब से वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज जो है वो यहाँ पे नहीं हो रहा था। और एग्जैक्टली यहाँ पे आवरली टाइम फ्रेम पे आप लोग देखोगे तो यहाँ पे सपोर्ट भी बन रहा था। सो यहाँ से एक प्राइस एक्शन का सेटअप अपसाइड के ट्रेड के लिए बना था और ये हम लोगों ने प्री डिस्कस करके रखा हुआ था कि इसके नीचे बैंक निफ्टी का जो फ्यूचर है वो बियरिश होने वाला है। सो हम लोग को यहाँ पे एक सिर्फ दो कॉल्स मैं कहूँगा एक परफेक्ट मिले थे जिनमें हमें काफ़ी अच्छा खासा रैली दोनों साइड में देखने को मिला है, काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट हमें सी और पी दोनों साइड में हुआ है। बात करेंगे यहाँ पे निफ्टी के बारे में। सो निफ्टी 17,230 के ऊपर यहाँ पे गैप अप हो गई थी, जो कि कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करके रीटेस्ट कर चुका है। सो यहाँ से एक अपसाइड का मोमेंटम हमें मिल सकता है लेकिन आज इसने निफ्टी में हमें ट्रैपिंग मोमेंटम दिया था और निफ्टी में ट्रैपिंग मोमेंट मिलने के बाद में जो हम लोगों ने यहाँ पे एक लेवल डिस्कस किया था 17,170 का, एग्जैक्टली इस लेवल पे सेलिंग मिला था और अगेन सेम लेवल पे सपोर्ट लिया था जो हम लोगों ने यहाँ पे कल के वीडियो में डिस्कस किया था। तो यहाँ से हम लोगों को सी में बहुत ही अच्छा खासा मूव जो है वो देखने को मिला है। अब बात करेंगे गाइस कल जो भी हम लोगों ने स्टॉक्स डिस्कस किए थे उनके एनालिसिस के साथ में। सो कल के दिन की जो पहली स्टॉक हम लोगों ने डिस्कस करके रखी हुई थी यहाँ पे वो थी इन्फोसिस की। सो इन्फोसिस को अगर आप लोग देखोगे गाइस यहाँ पे इसकी फर्स्ट कैंडल जो है वो बनी थी हम लोगों का सेल बिलो को, जो हम लोगों ने लेवल डिस्कस किया था उसके नीचे, लेकिन कोई क्लोजिंग नहीं था और यहाँ पे अपसाइड में बाय अबव के ऊपर ये इसने अपना क्लोजिंग दिया था लेकिन अगली कैंडल ने इसका हाई ब्रेक नहीं किया था, यानी कि इसमें बाई की कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं बनी थी। यहाँ पे भी देख लीजिए सेल में कोई भी क्लोजिंग हम लोगों को नहीं मिला है, यहाँ पे क्लोजिंग मिला है। सो आप लोगों को लेवल टू तक का जो टारगेट जो है वो यहाँ पे मिला है, जैसे कि आप लोगों को मैं अपने हर वीडियो में सिखाते रहता हूँ कि जैसे ही लेवल कट हो जाता है आप लोगों को यहाँ पे एटलीस्ट अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके रख देना है ताकि अगर यहाँ से रिवर्सल आ जाता है आप लोग यहाँ पे बुक नहीं करते हो तो भी आप लोग एट कॉस्ट जो है वो मार्केट से निकल सकते हो या फिर छोटा प्रॉफिट लेकर के मार्केट के साथ में से वहाँ से बाहर निकल सकते हो। जो दूसरी कॉल को हम लोगों ने सेलेक्ट किया था गाइस वो थी एम्फोसिस की। एम्फोसिस को अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे, सो यहाँ पे फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल जो है वो गैप अप ओपनिंग के साथ बनी थी, कल क्लोजिंग यहाँ पे हुआ था और आज के दिन का जो ओपनिंग है वो यहाँ पे। सो गैप अप ओपनिंग के बाद में इसने लेवल टू तक का एक पेन लगाया था जो कि एक एग्रेसिव ट्रेडर का बाय हो सकता था वहाँ पे, लेकिन जो कि सेफ प्लेयर्स है उनका यहाँ पे कोई भी रोल नहीं था। यहाँ पे आप लोगों का सेल साइड का कैंडल क्लोजिंग का जो भी लॉजिक आप लोग को बोलते रहता हूँ मैं वहाँ पे बना था और हम लोग को एक शार्प फॉल देखने को मिला, यानी कि एम्फोसिस की पी में बहुत अच्छा खासा पैसा जो है वो हम लोग को देखने को मिला है। जो थर्ड कॉल हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया था वो था वर्लपूल का। सो वर्लपूल का आज के दिन का फर्स्ट कैंडल यहाँ पे देख लीजिए गाइज आप लोग, तो यहाँ पे हम लोग को कोई क्लोजिंग नहीं मिला है, अपसाइड में भी कोई भी क्लोजिंग नहीं मिला है, यहाँ पे क्लोजिंग मिला है। सो यहाँ पे इसका जब लो जाएगा तो हम लोगों को यहाँ पे छोटा सा टारगेट जो है वो यहाँ पे मिला है और फिर यहाँ से स्टॉक जो है रिवर्स हो गया और इसने या तो एट कॉस्ट आप लोग यहाँ इसमें से निकल गए या तो हम लोगों ने जो लेवल डिस्कस किया था 1780 का वो हम लोग को यहाँ पे मिल गया है, यानी कि गाइस 196 एपिसोड्स तो कोई भी स्टॉप लॉस सेट नहीं है, 100% की एक्यूरेसी बरकरार है। कोशिश रहेगी 365 एपिसोड्स ऐसे बनाऊं जिनमें आप लोगों को कोई भी स्टॉप लॉस सेट ना। दोस्तों कल के दिन की पहली कॉल होगी हीरो मोटोकॉर्प, 2680 के ऊपर ये बुलिश है, अगर मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके आप लोग को दिखा दूँ। सो यहाँ पे देख लीजिए एक ट्रेंड लाइन का पैटर्न बना रहा है, एग्जैक्टली इस पैटर्न को फॉलो करते हुए वो अपसाइड में मूव कर रहा है और अगर हम लोग इसका वॉल्यूम की तरफ अगर नोटिस करेंगे सो इसका वॉल्यूम जो है वो कर्व ले रहा है, यानी कि एंड ऑफ द डे इसमें एक अच्छा खासा वॉल्यूम जो है वो एंटर हो चुका है।
सो अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट देने में कामयाब हो जाते तो 2680 के ऊपर बुलिश है, 8896 और 2706 हम लोगों के अपसाइड के लेवल्स होने वाले, 2665 स्टॉप लॉस होगा। इन केस अगर ये बाइंग में नहीं जाता और यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करके अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करने में कामयाब हो जाता है तो 2665 के नीचे वीक है, 2560, 53 और 42 डाउनसाइड के लेवल से 80 हम लोगों का स्टॉप लॉस है। जब भी आप लोग प्राइस एक्शन के बेसिस पे ट्रेडिंग करते हो लेवल टू लेवल, तो कोई भी 5 मिनट की कैंडल हम लोगों के लेवल के ऊपर क्लोज होनी चाहिए। जब अगली कैंडल इसका हाई ब्रेक करेगी तब हम लोग अपने बाय ऑर्डर को कंसिडर कर सकते हैं, और जो भी लेवल है उसके नीचे कोई भी 5 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोज होनी चाहिए। जब अगली कैंडल इसका लो ब्रेक करेगी तब हम लोग अपने स्टॉप लॉस को मैन्युअली ट्रेल करेंगे। अगर हम लोग ऑप्शंस पे ट्रेड कर रहे हैं तो आप लोग को एक चीज़ पे ध्यान रखना होगा कि आप लोग आउट द मनी स्ट्राइक प्राइजेस पे ट्रेड ना करें, सिर्फ और सिर्फ इन द मनी या फिर एट द मनी स्ट्राइक प्राइजेस को ही आप लोग सेलेक्ट करें। कल के दिन की दूसरी कॉल रहेगी टाइटन की, यहाँ पे देख लीजिए एक बेहतरीन सपोर्ट क्रिएट होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, और शायद यहीं से एक बाउंस बैक भी मुझे आज के दिन के क्लोजिंग में मिला है। और अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ तो एंड ऑफ द डे इसमें एक अच्छा खासा वॉल्यूम जो है एंटर हो चुका है। सो 2446 के ऊपर टाइटन बुलिश है, 5360 और 68 अपसाइड के लेवल से 2433 स्टॉप लॉस है। इन केस बाइंग नहीं आती है तो 2433 के नीचे बीरिश है, 2823 और 17 डाउनसाइड के लेवल से 2446 आप लोगों का स्टॉप लॉस है। बात करेंगे कल के दिन की तीसरी कॉल के बारे में जो कि है गोदरेज प्रॉपर्टीज़ की। सो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में भी अगेन सेम पैटर्न बना है, ट्रेंड लाइन को बहुत ही अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है। अगर यहीं से बाउंस बैक हमें मिल जाता है तो 1554 के ऊपर बुलिश हो जाएगा, 6066 और 74 अपसाइड के लेवल्स रहेंगे, 41 स्टॉप लॉस रहेगा। इन केस अगर स्टैंड लाइन को ब्रेकआउट करने में कामयाब हो जाता है तो 41 के नीचे सेल करेंगे, 37, 32, 26 डाउनसाइड के लेवल से 54 आप लोग का स्टॉप लॉस है। अब गाइज आप लोगों से बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ये सारी चीज़ों को नोट डाउन करके रख देते हैं, लेकिन नोट डाउन करने से कुछ भी काम नहीं करेगा, फिर उसमें से आप लोग उन लेवल्स को अपने ट्रेडिंग्स के लिए यूज़ करोगे जो कि मैं नहीं रेकमेंड करूँगा आप लोगों को। मैं रेकमेंड करूँगा आप लोगों की ट्रेडिंग व्यू का कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट वाला प्लेटफॉर्म है, वहाँ जाकर के आप लोग अपना फ्री ऑफ कॉस्ट वाला अकाउंट ओपन कीजिए, जो भी लेवल्स है वो ड्रॉ कीजिए, ड्रॉ करना सीख लीजिए, और ड्रॉइंग्स के साथ में लेवल टू लेवल प्राइस एक्शन कैसा फॉर्मेशन कर रहा है उसे आप लोग कैच करने का थोड़ा सा कोशिश कीजिए। और प्राइस एक्शन के साथ में जब भी आप लोग कैच करते हैं किसी भी सेटअप को तो आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस रहता है अपने डे टू डे ट्रेडिंग लाइफ में। सो निफ्टी के मैजिकल लेवल्स के बारे में आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। अगर मैं इसको आप लोगों को डेली टाइम फ्रेम पे दिखा दूँ, सो कल के दिन में जो मैंने आप लोगों को यू टर्न मैंने अपना यूट्यूब का थंबनेल लगा के दिखाया था आप लोगों को क्या मार्केट में एक यू टर्न आएगा, सो देख लो यू टर्न आया कि नहीं आया। इस डेली टाइम फ्रेम की कैंडल को आप लोग देख करके बताइए कि क्या आप लोगों को इसको अगर फॉल होना रहता तो आज के दिन में हम लोग को एक ऐसी कैंडल मिल गई रहती थी, एक ऐसे रेड कैंडल मिल गई रहती थी, लेकिन नहीं, इसमें एक यू टर्न आया है इसीलिए तो इस टाइप की कैंडल का फॉर्मेशन बना है, क्योंकि इसमें एक बाइंग का जो प्रेशर है वो आज अच्छी तरीके से हम लोगों को इसमें निफ्टी में देखने को मिल सकता है, जो इसने दोपहर के बाद में रिकवरी की थी उसके साथ में। सो मैंने कुछ यहाँ पे लेवल्स ड्रॉ करके रखे हुए आप लोगों के साथ में, 17,300 का इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर निफ्टी का फ्यूचर बुलिश है, 341, 386, 430, 17,500 का अपसाइड का लेवल है। इन केस अगर अपने प्रिडिक्शन के हिसाब से नहीं जाता, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकडाउन करने में कामयाब हो जाता है तो 17,230 के नीचे शॉर्ट कर सकते हैं, 131, 153, 115 और 61 हम लोगों के डाउन साइड के लेवल से। गाइज आप लोग मेरी प्रीमियम सर्विसेज से फ्री ऑफ कॉस्ट में जुड़ सकते हैं, उसके लिए आप लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो अकाउंट एलआईएस ब्लू का अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया हुआ है उस लिंक थ्रू आप लोग को बस अकाउंट ओपन करना होगा, उस लिंक थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट वाला अकाउंट ओपन करके आप लोग मेरी प्रीमियम सर्विसेज से फ्री ऑफ कॉस्ट में जुड़ सकते हैं। बात करेंगे गाइज यहाँ पे बैंक निफ्टी के फ्यूचर के लेवल्स के बारे में। सो गाइज अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया गाइज तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। एक दिन एडवांस में मैं सारे लेवल्स अपने सारे लॉजिक्स के साथ में आप लोगों को समझाते रहता हूँ। कल के वीडियो में जाकर के देख लीजिए मैंने कहा था आप लोगों को मार्केट में यू टर्न आएगा, सो देख लीजिए हम लोग को एक यू टर्न देखने को मार्केट में मिल रहा है। सो जो भी आप लोगों को यहाँ पे मैं सिखाते रहता हूँ वो अपना प्रो कोर्स का कंटेंट सिखाते रहता हूँ, मार्केट का बिहेवियर सिखाते रहता हूँ। सो वीडियो अच्छे लग रहे तो लाइक और कमेंट करना ना भूलिए गाइज, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। 38,000 के ऊपर बैंक निफ्टी का फ्यूचर जो है वो बुलिश हो जाएगा, 267, 342, 419 और 527 आप लोगों के अपसाइड के लेवल से। इन केस अगर इसमें बाइंग नहीं आती तो 38,070 के नीचे बैंक निफ्टी का फ्यूचर बियरिश है, 38,013, 946,
880 और 791 आप लोगों के डाउनसाइड के लेवल्स हैं। सो मैंने आप लोगों के साथ में गाइज यहाँ पे अपने मैजिकल लेवल्स बैंक निफ्टी और निफ्टी के शेयर करके रखे हुए, साथ ही आप लोगों के साथ में मेरे बेहतरीन ब्रेकआउट स्टॉक्स भी शेयर करके रखे हुए जिनकी एक्यूरेसी अभी तक 100% की। इनके साथ में सेफली ट्रेड कीजिए। थैंक यू सो